लोकप्रिय चैनल न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। दिनभर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिले भर में बकरीद का पर्व संपन्न। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने मनाया त्योहार। एक महीने से तिस्ती से लापता दो भाइयों की लाश का कंकाल बिहार के जंगल से बरामद। जंगल से बाइक भी हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। दुखिया मंदिर स्थित उसरी नदी में डूबे युवक का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन निकाला गया बाहर। नए ट्रक की पूजा कराने रिश्तेदारों के साथ आया था मंदिर। अब खबरें विस्तार से। जिले भर में बुधवार को बकरीद का पर्व आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कोविड-19 को देखते हुए झारखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसी के अनुसार लोगों ने बकरीद का पर्व मनाया। इस बार लोगों ने अपने अपने घर में ही बकरीद की नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को बकरीद पर्व की बधाई दी। इधर पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रही। गिरिडीह के सभी चौक चौराहों में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। विगत एक महीने से तिसरी से लापता दो भाइयों की लाश की कंकाल बिहार के मनवा पहाड़ी जंगल से बरामद की गई है। जंगल में दोनों भाइयों की बाइक भी मिली है। विगत 22 जून से लापता तिसरी के दो भाई अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल का छत विछत कंकाल बिहार के गरही डैम से 3 किलोमीटर आगे मनवा पहाड़ी के जंगल से बरामद किया गया है। साथ ही यहाँ उनकी पल्सर बाइक भी बरामद की गई। हालांकि लाश की ठीक से पहचान नहीं हो रही है क्योंकि सिर्फ कंकाल हड्डी व कपड़ा पाया गया है। मृतक के भाई कुंदन बर्णवाल ने पल्सर बाइक और शव का कंकाल मिलने के बाद तीसरी थाना व बिहार के खैरा थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने से हम लोग यहाँ जंगल आए थे। 2-3 घंटा खोजने के बाद बाइक मिला है यहाँ पे। और खैरा बड़ा बाबू को हम 3-4 बार फोन किए, वो बार बार मेरा फोन काट दे रहे और DSP को भी कॉल कर दिए। 1 घंटा हो गया, अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है और बाइक यहीं पे है। ये बाइक है और इधर मास्क है। ज्ञात रहे कि कुछ दिनों से यहाँ पहाड़ से दुर्गंध आने की सूचना आसपास के क्षेत्रों में फैल गई थी। साथ ही यहाँ पल्सर बाइक को भी देखा जा रहा था। इस सूचना पर भाई कुंदन बर्णवाल, मामा संजय, मनोज, प्रमोद व समाज सेवी किशोरी साव स्थानीय लोगों की मदद से मनवा पहाड़ की जंगल की खाक छान दी। घंटों परिश्रम के बाद इन लोगों ने एक स्थान पर दो मानव कंकाल को देखा। बाबा दुखरणनाथ धाम मंदिर के निकट उसरी नदी में डूबे युवक की लाश गोताखोरों की मदद से बुधवार को निकाली गई। युवक अपने नए ट्रक की पूजा कराने मंदिर आया था, जहां नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बाबा दुखरणनाथ धाम मंदिर के पास स्थित उसरी नदी में मंगलवार को डूबे युवक का शव बुधवार को गोताखोरों की मदद से निकाल लिया गया। ज्ञात रहे कि मुजफ्फरपुर निवासी मनीष यादव मंगलवार को नए ट्रक खरीदने के बाद उसकी पूजा करने बाबा दुखरणनाथ धाम मंदिर आया था। उसके साथ उसकी बहन, भांजे व अन्य संबंधी भी आए थे। इसी दौरान नदी में नहाने के दौरान उसके भांजे पानी में डूबने लगे। मनीष उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा और किसी तरह दोनों को बचाने में सफल हो गया, लेकिन इस दौरान वह खुद गहरे पानी में डूब गया। कई लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन नहीं बचा सके। घटना की सूचना पर SDO विशालदीप खालको, SDPO अनिल सिंह, मुफसिल थाना प्रभारी विनय राम आदि मौके पर पहुंचकर लाश को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इधर बुधवार को गोताखोरों की मदद से मनीष का शव निकाल लिया गया। मनीष की मौत से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। याद रहे कि मनीष की बहन का ससुराल शहर के अलग। लेकिन वो आया था अपना पूजा के लिए, गाड़ी खरीद के पूजा कराने के लिए आया था। पूजा कराने के लिए आया था तो नहाने के क्रम में उसका मैंने वो डूब गया। डूबने के बाद बहुत दिन 12-24 घंटा के बाद ही लाश निकाली। बहुत मुसीबत में निकाला गया और उनका
पैतृक आवास था मुजफ्फरपुर, वहीं से आया हुआ मनीष यादव। झारखंड धाम में रविवार को दुकान खोलने के जुर्म में हिरोडी पुलिस ने एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर उसे जख्मी कर दिया। भुक्तभोगी ने एसपी को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हिरोडी थाना क्षेत्र के झारखंड धाम निवासी उपेंद्र वर्मा ने एसपी को एक आवेदन देकर हिरोडी थाना के पुलिस कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि झारखंड धाम में उनकी एक दुकान है, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन में वे भी अपनी दुकान बंद रखते हैं, लेकिन उनके घर जाने का रास्ता दुकान होकर ही है। रविवार को वे अपने दुकान के रास्ते घर जा रहे थे कि इसी दौरान पुलिस आ गई और उसके साथ मारपीट की, फिर हिरोडी थाना ले जाकर भी उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि हिरोडी पुलिस की कार्रवाई शर्मनाक है। उन्होंने एसपी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं उपेंद्र कुमार वर्मा, मैं झारखंडी धाम में दो कमरे के मकान में रहता हूँ सर। जो फर्स्ट मकान में मेरा दुकान है और दूसरा मैं रहता हूँ। रविवार का दिन था सर, दोपहर 1 बजे के लगभग मैं अपने खेत से आया था और दुकान के रास्ते घर घुस रहा था सर। उसी टाइम तुरंत हिरोडी पुलिस आए और गाली गलौज करने लगे, और उसके बाद जब जैसे देखे पुलिस तुरंत शटर डाउन किए, और डाउन करते के टाइम में ही उन्होंने हमें 3-4 डंडा मारे और गाली गलौज करते हुए गाड़ी पर बैठा के हिरोडी थाना ले गए। और वहाँ भी सर हमें बहुत मारपीट किया गया और गाली गलौज किया गया, बेरहमी से मारा भी है सर, और दर्द भी है और दाग भी हो गया जिसमें ब्लड आ गया था, और वहाँ भी बहुत तरह का टॉर्चर किया गया। हमें लास्ट में छोड़ने के टाइम पैसा की भी मांग की गई सर, हमने उस समय दिया नहीं, और पैसा अगले दिन पहुँचाने का बात था। और सर मेरा गलती यही थी कि था कि मैं रविवार के दिन दुकान खोलकर दुकान के रास्ते घर घुस रहा था। सर आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए इसका न्याय किया जाए सर। हिरोडी थाना क्षेत्र के झारखंड धाम में रविवार को वहां के एक स्थानीय युवक उपेंद्र कुमार वर्मा ने हिरोडी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने एसपी को एक आवेदन दे करके न्याय की मांग की है। उपेंद्र कुमार वर्मा का शरीर में जो चोट देखा जा रहा है उसमें जो पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है वो बहुत ही शर्मनाक है, और आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक ग्रिड से मांग करती है कि दोषी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो मारपीट का आरोप है उसकी शीघ्र जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ओवरटेक करने के कारण न्यू ग्रीडी रेलवे स्टेशन के पास एक चावल लदा ट्रक पलट गया। मौके से चालक व उपचालक भाग खड़े हुए। न्यू ग्रीडी रेलवे स्टेशन के रेलवे पॉइंट पर बुधवार को एफसीआई का चावल लेकर बाजार जा रहा एक ट्रक ओवरटेक करने के कारण सड़क से 25 फीट नीचे गिर कर पलट गया। इस घटना में चालक व उपचालक बाल बाल बच गए, लेकिन मौके से दोनों फरार हो गए। घटना न्यू ग्रीडी रेलवे स्टेशन के समीप की है। डुमरी में बंद पड़े ग्रामीण जलापूर्ति योजना को चालू कराने को लेकर उपभोक्ताओं ने एक बैठक की। इस योजना को चालू करने को लेकर उपभोक्ता 24 जुलाई को अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना देंगे। डुमरी प्रखंड में बंद पड़े ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना डुमरी जामताड़ा को चालू कराने की मांग को लेकर बुधवार को पेयजल उपभोक्ताओं की एक बैठक पंचायत भवन जामताड़ा में आहूत की गई। बैठक में उपस्थित उपभोक्ताओं ने बीते लगभग 2-2.5 वर्षों से बंद पड़े पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से होने वाली परेशानियों पर चर्चा करते हुए कहा कि
पेयजल आपूर्ति नहीं होने से कई लोगों को खासकर गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती है और लोगों को मजबूरन रतजगा कर घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जिससे लोगों की नींद हराम होती है, साथ ही पानी ढोकर लाने में परेशानी होती है। बैठक में उपस्थित प्रमुख वक्ता सह क्षेत्र के पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने कहा कि जीवन में भोजन से ज्यादा महत्व पानी का है, क्योंकि मानव जीवन में दिनचर्या की शुरुआत ही जल से होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था लगभग 2-2.5 वर्षों से बंद है, लेकिन क्षेत्र के कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि और संबंधित विभाग भी मौन साधे बैठा है। इस दौरान उपभोक्ताओं ने पेयजल आपूर्ति चालू कराने हेतु लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने की बात कही और इसके लिए पेयजल आपूर्ति उपभोक्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें पूर्व चीफ सदस्य प्रशांत जायसवाल एवं निर्मल जायसवाल को, संरक्षक आशीष अग्रवाल को, अध्यक्ष मुनेश्वर उर्फ मुन्ना मंडल को, उपाध्यक्ष छोटन शर्मा को, सचिव संजय अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि 24 जुलाई को जलापूर्ति चालू करने की मांग को लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में धर्मजय जायसवाल, सुजीत कुमार, बाल गोविंद शर्मा, शक्ति अग्रवाल, सतीश गुप्ता, बीरेंद्र भगत, राजीव कुमार, पंकज बरनवाल, मोतीलाल पंडित, बीरू रविदास आदि उपस्थित थे। डुमरी जामतारा पेयजल आपूर्ति संघर्ष मोर्चा की आज बैठक थी। कंज्यूमर के दर्जनों लोग आज जामतारा सभागार में बैठे और विगत 2.5 वर्षों से जो वाटर सप्लाई डुमरी जामतारा का बंद है, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। कमेटी का गठन किया गया ताकि जल्द से जल्द यहाँ के लगभग 200 उपभोक्ताओं को पानी मुहैया कराया जाए और इसके लिए संघर्ष को तेज करते हुए अगले शनिवार के दिन यानी 24 तारीख को एक दिवसीय धरना देने का काम संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में अनुमंडल मुख्यालय में किया जाएगा। भाकपा माले ने गादी श्रीरामपुर में कई खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराई, इससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। भाकपा माले के प्रयास से गादी श्रीरामपुर में खराब पड़े कई चापानलों की मरम्मत कराई गई। ज्ञात रहे कि यहां चापानल खराब रहने से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने माले को इस समस्या की सूचना दी। माले के प्रयास से बहुत पुराने चापानल को बनवाया गया, इससे ग्रामीणों में भारी खुशी देखी गई। माले की टीम में सनातन साहू, मोहम्मद मजबूल, पवन दास, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद जियाउल, जग्गू रवानी, सोनू रवानी, सुरेश राम, राजू सिंह, रंजीत रवानी आदि शामिल थे। आज हम लोग जैसे कि चापर ने जहाँ जहाँ खराब है हम लोग बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जल ही जीवन है, नागरिक के लिए, पूरा ग्रामीण के लिए पानी की बहुत जरूरत है। जबकि यहाँ देवान टोला में गांगो मालिक घर के बगल चापानल 3 महीने खराब है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए भाकपा माले हम लोग मिलकर इसका काम करेंगे और चापानल बनवाएंगे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिले भर में बकरीद का पर्व संपन्न। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने मनाया त्योहार। एक महीने से तिस्ती से लापता दो भाइयों की लाश का कंकाल बिहार के जंगल से बरामद। जंगल से बाइक भी हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। दुखिया मंदिर स्थित उसरी नदी में डूबे युवक का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन निकाला गया बाहर। नए ट्रक की पूजा कराने रिश्तेदारों के साथ आया था मंदिर। और गहराता जा रहा है राधा कृष्ण भूमि का विवाद। बजरंग कृपा संघ ने भूमाफियाओं से जमीन को बचाने के लिए भरी हुंकार। आज का अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।